नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। माघ पूर्णिमा पर पटना में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। न्यायमूर्ति चक्रधारी सरन सिंह बने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब कैंसर मरीजों को बिहार में मिलेगी बड़ी सुविधा। गंगा में मिला तैरने वाला पत्थर, लिखा था श्रीराम। एशिया कप के आयोजन को लेकर ACC की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। माघ पूर्णिमा पर पटना में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। आज माघ पूर्णिमा है और ऐसे में बिहार की राजधानी पटना के गंगा घाटों पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वहीं गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना कर अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की गई और साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन लोग गंगा घाट पर स्नान कर पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पूरे देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने का लोगों के बीच विशेष महत्व है। न्यायमूर्ति चक्रधारी सरन सिंह बने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए 3 चीफ जस्टिस और 2 जस्टिस के नाम की सिफारिश की गई, जिसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद एक तरफ जहां न्यायमूर्ति चक्रधारी सरन सिंह पटना हाई कोर्ट के जस्टिस से मुख्य न्यायाधीश बने, वहीं दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। बता दें कि बीते दिन यानी कि 4 फरवरी को पटना हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस संजय और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह का विदाई समारोह आयोजित किया गया था और उन्हें सम्मान पूर्वक सभी अधिवक्ता संघ महाधिवक्ता PK शाही और केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर KN सिंह के द्वारा विदाई दिया गया। पटना के बाद बिहार में इन जगहों पर बनेगा फ्लोटिंग ढाबा। बिहार में गंगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ दिनों पहले ही बिहार की राजधानी पटना में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जल्द ही सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट और कहलगांव के बटेश्वर स्थान के पास भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए पर्यटन विभाग के द्वारा योजना भी बनानी शुरू कर दी गई है। बता दें कि इन स्थानों पर भी पटना के तर्ज पर ही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए कोलकाता की रिवर वाटर लिंक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फ्री सेवा की अनुमति भी मांगी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो श्रावणी मेला तक अन्य स्थानों पर भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग में 79 टीचर्स के लिए जारी किया आदेश। पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा वैसे 79 टीचर्स के लिए आदेश जारी किया गया है जो कि अनट्रेन टीचर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी टीचर पश्चिम चंपारण के हैं, जिन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस बारे में जिला शिक्षा कार्यालय के DPO योगेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार DPO कार्यालय की काउंसलिंग में केवल 48 शिक्षकों के द्वारा ही 19 अक्टूबर 2022 तक ट्रेंड हो जाने का प्रमाण पत्र जमा किया गया था। वहीं जो 79 शिक्षक अपना प्रमाण पत्र लेकर DPO कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे, उन्हें पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मैट्रिक फेल निकला साइबर क्राइम का सरगना। इन दिनों बिहार में लगातार साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पुलिस के द्वारा भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के गया का है, जहां पुलिस के द्वारा 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनकी पहचान टिंकू कुमार, सौरभ कुमार और संजीत कुमार के रूप में की गई है। हालांकि इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सभी साइबर अपराधी मैट्रिक फेल है, लेकिन अपने काम में काफी माहिर है और अब तक इन्होंने 1 करोड़ रुपए का चूना भी लगाया जा चुका है। इस मामले को लेकर गया SSP आशीष भारती के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई बुनियादगंज थाना क्षेत्र में की गई है और यह तीनों अपराधी भी बुनियादगंज थाना के मजे में गांव के ही रहने वाले हैं, जिनमें से सौरभ कुमार के ऊपर पहले भी एक साइबर क्राइम का केस दर्ज किया जा चुका है और जेल भी जा चुके हैं। वहीं जांच पड़ताल में अपराधियों के पास से पुलिस को फर्जी आधार कार्ड से ली गई सिम बरामद की गई है। आज अपने कॉलेज की यादों को ताजा करेंगे CM नीतीश। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने दिनों या अपने कॉलेज के दिनों की यादों को अपने दोस्तों के साथ तरोताजा करेंगे। बता दें कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का वार्षिक पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का मिलन समारोह NIT कैंपस में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इस दौरान कॉलेज की एक पत्रिका भी निकाली जाएगी। मालूम हो आज के पूरे दिन अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और साथ ही NIT के पिछले वर्ष के मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कॉलेज से 1973 में पूरी की थी और 2023 में उनके पास आउट होने का 50 साल पूरा हो गया है, जिस वजह से कॉलेज की ओर से 2023 में गोल्डन जुबली मनाने का फैसला लिया गया है।
अब कैंसर मरीजों को बिहार में मिलेगी बड़ी सुविधा। बीते दिन विश्व कैंसर दिवस के मौके पर ऑंकोलॉजी समिति 2023 को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर की जांच की शुरुआत की जा चुकी है। वहीं इसके अलावा गांव में कैंप लगाकर भी इसकी शुरुआत की जाएगी। बता दें कि अब तक कैंप लगाकर पटना समेत 6 जिलों में कैंसर की जांच की शुरुआत कर दी गई है। वहीं अब 3 और जिलों में कैंसर की जांच सेवा शुरू की जाएगी। बता दें कि अब तक जिन जिलों में कैंसर की जांच शुरू कर दी गई है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, सिवान और बेगूसराय शामिल है। वहीं आने वाले समय में जिन 3 जिलों में यह सेवा शुरू की जाने वाली है उसमें गया, भागलपुर और मधेपुरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में हर साल कम से कम 1.5 लाख नए कैंसर रोगियों की पहचान की जाती है। 6 मार्च तक ट्रेनों में जगह न होने से अब यात्री इन ट्रेनों का कर रहे हैं इंतजार। होली आने वाली है और ऐसे में सभी लोग अपने अपने घर आने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली, पंजाब, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद से पटना आने वाली किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से अब यात्रियों को सड़क मार्ग से बसों के जरिए अपना घर पहुंचना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो होली के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही होली को लेकर विमानों का किराया भी बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी स्पेशल ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। अब सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी इतने तरह की दवाएं। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाओं से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अब सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं की संख्या को बढ़ाकर 387 से 611 कर दिया गया है, जिसमें कैंसर, किडनी, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, मधुमेह और मातृ शिशु की दवा का भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब सभी सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक के अनुसार उपकरणों की उपलब्धि कराई जाएगी और इसके लिए सूची भी तैयार की जा चुकी है। 49 ईंट भट्टे को लेकर पटना हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ के द्वारा वैशाली और नालंदा जिले के 49 ईंट भट्टों को बंद करने के लिए 23 पन्नों का फैसला जारी कर दोनों जिलों के डीएम को तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया है। कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार ईंट भट्टा के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है उस पर कंट्रोल करने को लेकर और पर्यावरण संरक्षण के कानून का पालन करने को लेकर कहा गया है कि थर्मल पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कामों के लिए केवल फ्लाई एश ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाए और इन ईंट भट्टों को तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए। गंगा में मिला तैरने वाला पत्थर, लिखा था श्रीराम। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए पत्थर का पुल बनाया था जो कि पानी के ऊपर तैरता रहता था। बता दें कि ठीक वैसा ही एक पत्थर भागलपुर में गंगा नदी में तैरता मिला है, जिसे वहां के बच्चों के द्वारा पटक पटक कर तोड़ तो दिया गया, लेकिन फिर भी वह पत्थर पानी में तैर रहा है और साथ ही उस पत्थर पर राम शब्द भी लिखा है। हालांकि यह शब्द कब का लिखा हुआ इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जैसे ही यह पत्थर लोगों को मिला तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और श्री राम सेतु का पत्थर समझकर पूजा पाठ भी करने लगे। हालांकि अभी इसकी जांच को लेकर आर्कोलॉजी और सरकार विभाग के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। BMSICL ने दवा आपूर्ति की 34 एजेंसियों को थमाया नोटिस। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विभाग स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी को देखते हुए बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा 34 एजेंसियों को नोटिस जारी कर 1 महीने के अंदर जवाब मांगा गया है। वहीं अगर इन कंपनियों के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनसे दवा आपूर्ति के अधिकार को छीना जा सकता है। बता दें कि जिन 34 एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है वे सभी सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति के मानक का पालन नहीं करते हैं। जदयू में होने लगी है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उनके खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर अब बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ जेडीयू के द्वारा कार्रवाई करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार पूरी प्रक्रिया का ख्याल रखते हुए उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। वहीं उनके जवाब दिए जाने के बाद ही जदयू की ओर से आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि जारी किए जाने वाले नोटिस में उनसे यह भी पूछा जाएगा कि वह शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती में संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में क्यों भाग लिए थे और साथ ही हाल के दिनों में उन्होंने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी की है उससे भी जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं नोटिस दिए जाने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कहा गया है कि वह पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहे हैं।
एशिया कप के आयोजन को लेकर ACC की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप 2023 को लेकर बीते दिन यानी कि 4 फरवरी को बहरीन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान वर्तमान में आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिस वजह से एशिया कप जैसे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट का आयोजन करने में पाकिस्तान असमर्थ हो सकता है। भले ही ACC अनुदान का भुगतान करे, लेकिन फिर भी PCB के खजाने में छेद कर सकते हैं। इसलिए रणनीतिक रूप से ऐसा माना जा रहा है कि एशिया कप 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के 3 स्थलों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस फैसले को स्थगित रखा गया है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कमलेश शर्मा, रंजीत मिश्रा, नुसरत बनो, कुश कुमार यादव, बाबूलाल मरांडी, शान्या प्रवीण, सैलजा कुशवाहा, चंदन कुमार, अखिलेश यादव, मुटु रंगीला, नन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, शंकर मुखिया, मोहम्मद नौशद राजा, रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत होने से गंगा पर्यटन को कितना बढ़ावा मिल सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।